अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए ऑर्थोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हुए। ठीक है, बेसिकली आवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स इन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्थोटिक्स। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए ऑर्थोटिक्स को प्रिस्क्राइब करते हुए, डैट इज़ पर्सनल। पर्सनल में आ जाती है एज। एज का क्यों ख्याल रखना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा है 20 साल का, ठीक है, दूसरा है 50 साल का, ठीक है, तो दोनों की नीड्स में फ़र्क होगा ना। 20 वाले को ऐसा ऑर्थोसिस चाहिए होगा जिसमें मोबिलिटी हो, क्योंकि उसने मूव करना है, उसकी यंग एज है, ठीक है, और 50 वाले को वो जाहिर सी बात है ओल्ड हो चुका है, उसको मोबिलिटी ना भी हो, उसे जस्ट सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, वो थोड़े बहुत अपने काम खुद कर ले, इनफ है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए एज मैटर करती है, ठीक है। साथ हाइट, हाइट भी मैटर करती है, ठीक है, जितनी हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी उसके लिहाज से ऑर्थोटिक डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। फिर मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि उसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ऑर्थोटिक्स में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो सके या ऑर्थोटिक उसको सूट ना करे, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्लिनिकल कंडीशन देखनी है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ऑर्थोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऑर्थोटिक बनाना है, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरी क्लिनिकल कंडीशंस तो नहीं प्रेजेंट, उनको देखेंगे, ठीक है। पेशेंट की मोटिवेशन देखेंगे, मोटिवेशन मींस कि वो खुद इंटरेस्टेड है या नहीं है, मतलब कितना उसका इंटरेस्ट है ऑर्थोटिक को पहनने में, ठीक है। उसकी पर्सनल नीड देखेंगे कि उसे पर्सनली कौन कौन से काम करने हैं वो ऑर्थोटिक के साथ, उसके हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ देखेंगे कि फंक्शनल एबिलिटीज में उसने कौन कौन से काम करने हैं, वो इसी में आ जाएगा एज के अकॉर्डिंग के, ठीक है। तो उस लिहाज से उसे फिर हम बना के देंगे ऑर्थोटिक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट की पेन है वो ख़त्म होती है, ठीक है, उसकी जो डिफॉर्मिटी हो गई है वो मैनेज होती है, ठीक है, डिफॉर्मिटी ख़त्म होती है। यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री में मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, इसमें हम कोज भी देखते हैं कि एम्पूटेशन की कोज क्या, अगर ये कोज फॉर एग्जांपल कोज हो सकती है कि डायबिटिक फूड था, पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसकी वजह से कट हुआ है लिम्ब, ठीक है, तो कोज देखते हैं कि एम्पूटेशन की कोज क्या है। अच्छा, अब हम क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करे थे ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के, उसमें सबसे पहले ये पेन को कम करता है, डिफॉर्मिटीज़ को मैनेज करता है, ठीक है, एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन से प्रिवेंट करता है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है, टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा करता है, और उसके बाद हीलिंग को ज़्यादा कर देता है, प्रमोट करता है, लिम्ब कंपनसेशन करता है। लिम्ब कंपनसेशन मीन अब एक बंदे का लिम्ब नहीं है तो हम आर्टिफिशियल लिम्ब दे रहे हैं तो वो लिम्ब की कंपनसेशन हुई ना, ठीक है। अब नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को मैनेज करता है, जैसे वीकनेस है या हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, एडिमा को कंट्रोल करता है और प्लेसिबो इफेक्ट देता है, वार्मथ, पोस्चरल फीडबैक वगैरह, ठीक है, इस तरह के अदर इफेक्ट्स भी दे रहा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑर्थोसिस की। सबसे पहली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने जो डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करना है, उसको कम करना है और उसको स्टेबलाइज करना है, ठीक है, जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेगमेंट की जो शेप है, मीन जो एम्पूटेटेड लिम्ब की शेप है उसको ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद जो वीक मसल एक्टिविटी है या अगर हाइपर एक्टिविटी हुई हुई है उसको कंपनसेट करना है, ठीक है, और टिश्यूज़ के ऊपर जो लोड आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्थोसिस को बनाते हुए किन कंसिडरेशंस का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो ऑर्थोटिक मटेरियल है और जो स्किन है उसके दरमियान फोर्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच जॉइंट, के जो जॉइंट है वो कितना इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। फिर हमने देखना है कितने जॉइंट सेगमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद उस सेगमेंट का हमने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, मसल टोन कैसी है, ठीक है, इन चीज़ों को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। अगर उसकी टोन अच्छी नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो जो ऑर्थोटिक लिम्ब है वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके लिए उसके सेगमेंट की स्ट्रेंथ और टोन अच्छी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल सिलेक्टेड फॉर ऑर्थोटिक फैब्रिकेशन, हमने देखना है कि कौन सा मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोटिक को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं, प्लास्टिक यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, ठीक है, और फैब्रिक्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। स्टील में हमने स्टेनलेस स्टील देखा था, सर्जिकल स्टील, टूल स्टील था, स्प्रिंग स्टील था, ठीक है,
प्लास्टिक मैनमेड थिंग थी और ये नेचुरल थिंग नहीं है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। और ये हीट और प्रेशर को बेयर कर सकता है, ये भी दो तरह का था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन है ना, ये हम कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो स्टील की कम होती है, स्टील कम कोरोजन की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटीरियल्स, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी लेवल ऑफ क्लाइंट, हमने क्लाइंट का एक्टिविटी लेवल देखना है कि उसका सीडेंट्री एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, या वो वर्कर है, या उसको सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए ऑर्थोटिक चाहिए, ठीक है। उस लिहाज से हमने उसका ऑर्थोटिक डिज़ाइन करना है।